चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज एक इस खेल चल रहा है इस देश में जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है, अमीरों के नोटों से गरीबों के नोटों के साथ खिलवाड़ होता है। और मैं समझता हूं कि इसको अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह से हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो मिस्टर शेषन, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने एक मिस्टर सेशन ने उस किताब में ये लिखा है, ए हार्ट फुल ऑफ बर्डन, हार्ट फुल ऑफ बर्डन किताब लिखी है, और उन्होंने इस किताब में लिखा है कि इट इज जो डेमोक्रेटिक कल्चर है इंडिया में, इट इज इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिके। ये डेमोक्रेसी जो है इट इज एन एडवांस स्टेज ऑफ डिके, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहना पड़ा है। और इसी तरह से तो उन्होंने और 1951-52 में तो जब इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलने वाला था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त कहा था कि भाई ये जो अगर अमीर के पैसों से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर अमीरों की ही बात इस देश में चलेगी, पैसे वालों की ही बात चलेगी। और वही हम देख रहे हैं कि मनी माफिया और मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, मनी माफिया और मीडिया का रोल इस देश की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रहा। तो बाबा साहब ने उस वक्त, क्योंकि लोग महाभारत और रामायण के बारे में ज्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि आई वुड लाइक टू रेफर टू द महाभारत ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास, भीष्मा एंड द्रोणा वर ऑन द साइड ऑफ कौरवास, पांडवास वर इन द राइट एंड द कौरवास वॉज इन द रॉन्ग, भीष्मा एडमिटेड दिस व्हेन समवन आस्क्ड भीष्मा एज टू व्हाई ही वॉज सपोर्टिंग द कौरवास इफ ही फाउंड द पांडवास टू बी इन द रॉन्ग इन द राइट, भीष्मा रिप्लाइड इन दैट मेमोरेबल सेंटेंस, आई मस्ट बी लॉयल टू द साल्ट, भीष्मा ने कहा आई मस्ट बी लॉयल टू द साल्ट, इफ आई ईट द फूड ऑफ कौरवास आई मस्ट टेक देयर साइड इवन इफ देवर दे माइट बी इन द रॉन्ग। तो उस वक्त से 1951-52 से इस बात के बारे में हमें मालूम है कि अमीर के नोटों से गरीब के वोटों के साथ खेल खेला जाता है, और हम इसको लोगों को दुनिया वालों को बताते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है। इसलिए तो रिफॉर्म की, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की बात बहुत चली है, मैंने नोट किया है कि इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के बारे में अब तो एक मिनट खत्म कर दें, अभी तो आखिरी में बात कहकर बैठ जाऊंगा, ये भी इस बात का एहसास है। तो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के बारे में 36 मिनट आपने लिया, हम लोगों ने 1972 से ये काम शुरू किया है, 1990 तक तो बहुत कमेटियां बिठाई गई हैं, 1972 में राव कमेटी बिठाई गई, उसके बाद 1974 में तारकुंडे कमेटी बिठाई गई, उसके बाद में कैबिनेट कमेटियां बहुत सी बैठी 1982 में, और उसके बाद आज तक 14 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में हुए हैं। हर इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है कि ये होना चाहिए, लेकिन आज तक जो रिफॉर्म की बात हमने कही है वो आज तक हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं, हम ये करना नहीं चाहते हैं। पिछले 50 साल में इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की बात तो बहुत कही गई है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कर नहीं पाए हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सही मायने में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है तो हमें ये रिफॉर्म करने होंगे, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये भी इस देश में आज तक कामयाब नहीं हुई है, आने वाले समय में कामयाब नहीं होगी। इसलिए अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें सामाजिक और आर्थिक दिशा में जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन करने चाहिए, और मैं समझता हूं अगर 50 साल हमने ये नहीं सोचा है तो 50 साल के बाद ये पूरा साल जब हम सोच रहे हैं, सोचने लगे हैं, तो पूरा साल हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने का हमें एजेंडा बनाना चाहिए। आने वाले समय का एजेंडा हमारा इस किस्म का होना चाहिए। ऐसी बात कहते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ज्यादा समय दिया।